तो भाई रिएक्शन कैसे है बाइक के रात में? रिएक्शन ऐसे है भाई, देख लो पन्नी उधर की, रिएक्शन ना टोक है भाई वो। अच्छा टोक है। हाँ रिएक्शन तो भाई ऐसे ऐसे लोगों की नजर लग जाती है, देख लो भाई पीछे ही पड़ गया आदमी। भाई इंजन विंजन चेंज कराओगे क्या? भाई इंजन में सोच रहा हूँ, इसमें तो कर आजकल एक आधी रील वील देखी होगी, अपाची क्लच प्लेट डलवा मैं। हाँ। मैं इसमें सोच रहा हूँ करेक्टा का इंजन लगवा। उसकी नंबर प्लेट भाई ऐसी बनवा दूंगा पूरे नजफगढ़ में, पूरी दिल्ली में ऐसी नंबर प्लेट नहीं होगी भाई, ऐसी नंबर प्लेट बनवा रखी है। आजकल देखी होगी वो चल रही है, जैसे वो घड़ी सी घूमती अंदर। हाँ। वो भी लगवाई थी, वो वीडियो पड़ी वो दे दूंगा मैं। चार पाँच दिन में कुछ करवा भी लिया। हाँ वो भाई मैंने लगवाई थी, जो सोच के लगवाई थी ना वो मजा ना आया। सोच के शोरूम में गया था, मैं शोरूम में घर ने बाद में जाओगी, पहले जाओगी करोल बाग। अच्छा लगवाए थे लोहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। ओके तो सारे बढ़िया पाएंगे, मस्त पाएंगे। तो भाई गाड़ी बहुत हो चुकी है अपने चैनल पे, आज भाई लेकर आया भाई अपनी मॉडिफाई स्प्लेंडर, और भाई अपने जतिन भाई की है, भाई सब जानते होंगे, बाकी भाई नहीं जानता तो भाई दोबारा देख लेना। तो भाई दिखाते क्या कुछ करवा रखा है भाई को, भाई एक हफ्ता भी नहीं हुआ बाइक लिया और भाई ने इतना कुछ लगा दिया पैसा, लगा लो भाई अंदा पैसा लगा दिया भाई ने। तो भाई आज अपनी वीडियो में भाई मॉडिफाइड स्प्लेंडर जो कि भाई अपने जतिन भाई की है। तो भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया, सुनाओ भाई। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर फिर से। बिल्कुल स्वागत। तो भाई क्या कुछ नया सोच लिया एकदम की स्प्लेंडर ले लें? भाई स्प्लेंडर था शुरू से प्यार था भाई। अच्छा आपने एक बार देखी होगी पहले मेरे द्वारा थी भाई पैशन एक्सप्रो, उसमें मतलब दिल खोल कर रुपया लगा रखा था। पर एक स्प्लेंडर ऐसी चीज है, गाड़ियों में शिफ्ट और बाइक में स्प्लेंडर, मतलब कितना ये रुपया लगा लो भाई उतना ही थोड़ा। तो भाई ये भाई ने हाल फिलहाल में लिए है भाई, कितने दिन हो गए भाई अपने? भाई इसको 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन? हाँ। भाई 4-5 दिन में इतना कुछ? भाई 4-5 दिन में हुआ है, जो जैसे शोरूम में दिलगड़ी थी ना। हाँ। जब मैं सोच के शोरूम में गया था, मैं शोरूम में घर ने बाद में जाओगी, पहले जाओगी करोल बाग। अच्छा लगवाए थे लोहे। तो मतलब निकलते मतलब सारा काम करवा दिया है? सारा काम थोड़ा बहुत रह रहा है अपने, एक दो दिन में। मतलब सोच रखी थी कि भाई निकलते ही काम करवाना है। हाँ, करते सोच के साला था। अच्छा तो भाई बार भाई लुक देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है, और भाई मैं जो बैक की टेल लाइट देख रहा हूँ भाई थोड़ी अलग लग रही है भाई, न्यू लाइट से एक्स बनवा रखा है। अच्छा एक्स बनवा रखा है, ओहो क्या बात है, ये देख लो भाई मॉडिफिकेशन हो तो ऐसी हो भाई। और भाई पीछे ये लिखवा रखा है, लिखवा आया था ये लिखवा रखा भाई जट्टा। तो भाई जो बैठा है ना जो करता है आपस में उनका देखो जट्टा। अच्छा जट्टा लिखवा लिया भाई, ये भी भाई तगड़ी चीज है देख सकते हो भाई। और क्या कुछ कॉस्ट पड़ जाती है अपनी टेल लाइट की? टेल लाइट में यो भाई 350-400 रुपया खर्चा आया था। अच्छा 350-400। आजकल देखी होगी वो चल रही है, जैसे वो घड़ी सी घूमती है अंदर। हाँ। वो भी लगवाई थी, वो वीडियो पड़ी है वो दे दूंगा मैं। अच्छा 4-5 दिन में इतना कुछ करवा भी लिया? हाँ वो भाई मैंने लगवाई थी, जो सोच के लगवाई थी ना वो मजा ना आया। अच्छा स्टार्ट करते ऐसी लगती है इलेक्ट्रिक रिक्शा जा रही है भाई। अच्छा तो हटवा दी मैं, खूब फक जाएगी मगर बाइक मोर आगे लाग जाएगी, मैं हटवा उसमें। ऐसा ही है क्या? तो भाई चलो बस फ्रंट से दिखा देते हैं भाई ने क्या कुछ करा रखा है। तो भाई ये देखो फ्रंट लुक देखो। तो भाई पे आगे की हेडलाइट भी कुछ चेंज सी लग रही है ना? हेडलाइट में है पहले वो बोस वाली लाइट चलती थी तो हाँ। वो पुराना, फिर अभी कुछ नया चल नहीं रहा आगे की हेडलाइट में, तो मगा बिल्कुल ही वो रखेंगे स्टॉक, तो फिर मगा बेकार लगी, तो इस बार ग्लास लगवा दिया मैंने। अच्छा आगे का ग्लास चेंज करवा दिया? ग्लास सीधे वाला गिलास हमने ना। हाँ भाई देख लो ये मतलब लाइट ब्लैक, मतलब बिल्कुल जेड ब्लैक भी ना है। हाँ। जेड ब्लैक फिर पूरी ब्लैक हो जाती तो लुक नहीं आती हमारी, थोड़ा लाइट ये थोड़ा ब्लू शेड में। हाँ, अपना गिलास। तो भाई आपने मतलब ये टेप उप चढ़वा रखी है इस बाइक पे? एक तो होती है जेड ब्लैक। हाँ जेड ब्लैक करवा देता फिर स्टिकर राइड हो जाते फिर मजा नहीं आता, तो ये करवा दे स्मोक। स्मोक का भी फायदा जो करे ना, मतलब वो हो जाए जो कर भाई बढ़िया चमक सी आ जाए बाइक में, दूर तक नहीं लागू। हाँ भाई ओके, नहीं नहीं सी लाग गया वो तो है नहीं, पर लागू हो रहा है मतलब पूरी बाइक आपने ये स्मोक टेप करवा रखी है भाई। देख लो पीछे वाले पैनल भी और भाई आगे वाले भी, और यहाँ बीच में कटिंग करवा दी स्प्लेंडर पे ना। बीच में कटिंग यूज़ लिए भाई, अगर ऊपर कर देते ना तो इसमें हवा बढ़ जाती फिर।
और बाकी भाई आगे स्टिकर लगवा रखा आपने ना भाई, ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, कई गाड़ियों में भी देखा होगा। अच्छा आगे भी टैपिंग चढ़वा रखी आपने इधर, थोड़ा ऐसे लोगों की नजर लग जाती देख लो ये है। और बताओ भाई क्या कुछ करवा रखा अपनी बाइक में? और भाई अपना नंबर प्लेट अभी विदेश तक मंगवा रखी है। अच्छा पैसन मेरी चल रही थी ना मेरे तक अमेरिका तक चली गई, तो वो ही भेज रखी है। उसकी नंबर प्लेट भाई ऐसी बनवा दूंगा पूरे नजफगढ़ में, पूरी दिल्ली में ऐसी नंबर प्लेट नहीं होगी भाई, ऐसी नंबर प्लेट बनवा रखी है, वो आ जाएगी एक दो दिन में। और बाकी अपने दोनों टायर चेंज है, अलॉय चेंज है भाई। तो भाई अलॉयज बात है, तो अपना अलॉयज कौन सा डिजाइन भाई? एस वाला डिजाइन है ना, एस वाला भाई। बहुत से कह रहे थे, रिकमेंड कर रहे थे कि भाई वो मर्सिडीज वाला लगवा लो, पर मेरे को इतना खास नहीं लगता, मैंने शुरू से एस पसंद है भाई। भाई जिसकी जो मतलब पसंद है ना वो काम करना चाहिए ना, ये तो है भाई। किसी को कॉपी नहीं करनी चाहिए। तो भाई अपना टायर साइज भी बड़ा है क्या अपना? हाँ टायर बढ़वाया भाई, फिर इससे ज्यादा बढ़वाता तो भाई मेरे का डटवाना पड़ता, फिर वो खचरे वाले काम हो जाए। अच्छा अगर बारिश बुरिश सामने चल रहा, बारिश आ छेट लग गया। अरे पहले से अपने मोटे टायर है ना? हाँ पहले तो मोटे भाई। एक बार रूट्स की आवाज सुना दो। तो भाई और क्या इन फ्यूचर कुछ करवाने की सोच रहे हो इसमें? भाई इन फ्यूचर में इसमें है एकदम से रैप रूफ कराऊंगा मेरा पुमारा का। अच्छा बेस्ट ट्यूब ना बेस्ट ट्यूब है तो अभी भाई इसमें छपरी वाले काम थोड़ी करने बाइक में भाई। फिलहाल इसमें वो है कि ये जो इंजन का कवर आता है भाई एक शीशे का, वो करवाना है। अच्छा और कह रहा लाइट लगवाए रखी है भाई। ये देखो भाई एक ये मोड़ है भाई इसमें, अरे की है भाई गजब ही चीज करवा रखी भाई ने, ये देख लो। और भाई देखने वाले जलते रहते थे, वो भाई कैसे खड़े हैं बिल्कुल, मतलब कहीं जा रहा था भाई और भाई खड़ा हो गया यहाँ। तो भाई कैसी लग रही है बाइक? अगर किसी की नज़र में आए तो भाई इसको पकड़ लेना। तो भाई लाइट वाइट की क्या कुछ पड़ जाती है? भाई लाइट तो लू है ये तो 250 की लाइट है भाई सारी। अच्छा अंदर मैंने वो पार्किंग बल्ब चेंज कर रखा है, रेड कलर का दिख रहा होगा भाई, वो भी चेंज करवा रखा है। हाँ। तो उसमें LED भाई मैं जब एक बात बताऊँ, इस ग्लास में दिखेगा ही नहीं कुछ, तो काम का खर्चा करना है। अच्छा तो और मतलब हेडलाइट मोर कुछ सोचा ही नहीं अभी तक यही? हेडलाइट भाई मैं कह तो रहा हूँ अभी जैसे चल रही है थोड़ी बहुत, पर मोटर माटर भी खराब हो जाए, बार बार छिड़वानी गलत है, तो अभी इनको ढंगी चीज आओगी ना फिर वो ही बदलवा दूंगा भाई। और बाकी भाई इंडिकेटर भी ब्लैक करवा रखे, मतलब बिल्कुल ना ब्लैक का कॉम्बिनेशन दे रखा है, कुछ भी फालतू चीज नहीं है, और मतलब अतरंगी बतरंगी चीज ना करा रही छपरी वाली है ना थोड़ी है भाई। शुरू से प्यार है स्प्लेंडर तो उसे काम कराओ, गली में जाऊंगा कहूंगे बढ़िया चीज जा रही है, गली में जाऊंगा खचरा जा रखे फायदा भाई। ये तो है भाई। तो भाई अलॉयज अलॉयज का भी प्राइस बता दो एक बार वीडियो में भाई। भाई अलॉय थे ये यहाँ 700,000 के बताऊँ, देखो मैंने करोल बाग में जानकार है उस तक लगवाए थे भाई 4,500 के, और अपने जो पुराने जो रिम आया ना कंपनी था रिम दे दिया था भाई 3,000 के, तो 1,500 और 300 लेबर चार्ज लगा था। और भाई अपने टायर की बात करें तो भाई अपने टायर जो मैंने अपने जो कंपनी था आया करे भाई टायर दे दिए थे, बदले में 2,300 दिए थे 5 साल की गारंटी, रालको कंपनी के टायर है भाई। अच्छा हाँ तो मतलब ये भाई उसी दिन के काम देख लो, शौक होता है इस चीज़ों भाई, पहले दिन ही सारा काम करवा दिया भाई ने। और भाई ये बताओ भाई जैसे एवरेज उन्हें कुछ फर्क पड़ा क्या? भाई एवरेज देखता तो फिर मैं टायर ना बदलवाता, मन है मैंने नाप की तो कोना में सीधा ही चला गया था, तो बता मैं लोग जुगर एक भाई और ले रहे स्प्लेंडर उनका 50 की देते हैं, पर भाई अब आगे तो जुगर सुई नू आवे ना नू फुल हो जावे उनकी, ये तगड़ी चीज है। नाप की कोना बाकी से 100 रुपये जिस देती हुई 12-15 की एवरेज देती हुई भाई। अच्छा एक काला घोड़ा अपना है। हाँ, काला घोड़ा भाई। तो टंकी कितने फुल हो जाती है भाई? भाई टंकी एक बार स्टार्टिंग में जब शोरूम में घर ना गया जब तो भाई हुई थी मेरे ख्याल से 700 की, अरीब मैंने पीछे से करवाई थी 2 दिन पहला जब हुई थी भाई 900 रुपये। अच्छा मतलब वही 800-900 रुपये में फुल हो जाती है अपनी है ना, 1000 रुपये बस उससे ज्यादा नहीं। तो भाई इस मतलब ये लाइट वाइट का स्विच लगवा रखा क्या आपने? भाई स्विच लगवा रखा पर विजिबल नहीं होगा, देखो लाइट का स्विच तो है दिखेगा ही नहीं, वो बिल्कुल ठस्से में लगवा रखा है। अच्छा याद है जुगर ये चेंज ठीक है या और ये बीच में बंद हो जाए भाई, अरे ये भी सही काम करवा रहा भाई ने। एक ये स्विच था भाई ज्यादा वायरिंग मैंने छिड़ बाइक को ना, ये स्विच है भाई जो हेडलाइट है ना अब जो बाइक आ रही है उसमें हेडलाइट स्टार्ट करते चढ़ जा रहा लाइट। अच्छा फिर वो लागे बेकार, तो मैंने इसमें एक स्विच वो लगवा रखा है भाई, मैं जाऊँगा डाक में बाइक लेकर जाऊँगा कि मैं एक आते लुक जुक लाइट लगवा दूँगा इसमें, ज़्यादा खच्चरी बनती नहीं बाकी पीछे पूछने वाली बढ़िया लाइट लगवा दूँगा, और एक लगवा झंडा जय श्री राम का भाई बड्डा बढ़िया करती तो बाकी मतलब अपने इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना भाई, सबको रील विल दिख जाएगी ना। इंस्टाग्राम पे ऐसी रील मैं खुद की नहीं डालता जितनी बाइक की डाल दूं भाई, एक एक नंबर की वीडियो करती हूं बदमाशी वाली। और भाई ये रूट्स अपने ब्लैक करवा रखा आपने ना मैचिंग के साथ? भाई मैट ब्लैक करवा रखे, ये सिल्वर है ना भाई पता है एक तो अलग था हाईलाइट हो जाए। हां ठीक है तो अरवे लगा भाई बुंडे फिर थोड़ा
जंग पकड़ जा, सो बात हो, इसमारी ये करवा दी, मैं फिनिश करवा दी। तो बहुत तगड़ा काम करवा रहा है भाई ने, और बाकी इन फ्यूचर में भाई बहुत तगड़ी तगड़ी मोटिवेशन आने वाली है इसके साथ। काम आ जाएगा भाई, इंजन विंजन चेंज कराओगे क्या भाई? इंजन में सोच रहा हूँ, इसमें तो कर आजकल एक आधी रील वील देखी होगी, अपाची प्लस प्लेट डलवा है, मैं इसमें सोच रहा हूँ करेक्टा का इंजन लगवा। ठीक है, तो बाकी फिलहाल तो ओके चल रही है। एक चीज और करवानी है इसमें भाई, जो 80-90 तो ऊपर ना बात थी। अच्छा, इसमें ग्रैंड विटारा का इंजन लगवा के ऐसी पार्ट हुआ इसने 120 की स्पीड मेरे भाई जब बात बनाई। तो भाई लुक देखो भाई दूर से, तो भाई रिएक्शन कैसा है भाई? रात में रिएक्शन ऐसे है भाई, देख लो पन्नी उधर की रिएक्शन ना, टोक है भाई वो। अच्छा टोक है, हां रिएक्शन तो भाई ऐसे लोगों की नजर लग जाती है, देख लो भाई पीछे ही पड़ गया आदमी। तो भाई ये भी फोटो खिंचवाने के लिए रुका पड़ा, कह रहा भाई फोटो खिंचवा के जाऊंगा इसके साथ। भाई बिग फैन, बिग फैन ना भाई, वैसे मजाक से हटके भाई, बाकी है ना बहुत बढ़िया रिएक्शन है भाई। अभी आपके टाइम भी देखे होंगे, तू देखे पब्लिक हां, और नॉर्मल डिसेंट सी लागे नू ना के खजरा वजरा ओके लागे। और भाई पीछे का आपने ये भी हटवा रखा अपना भाई, यू नू हटवा दिया, अगर ये रहता ना चाहे कितना ही काम करा लो गाड़ी में, जो कर नू तो गाड़ी में अलोय नहीं है, कुछ भी करा लो लुक नहीं आती, वो ही काम इसका, अगर यो नहीं हटवाओगे ना लुक आवे को ना भाई। तो भाई मरगाड़ और कटवाना भाई, थोड़ा कटवाना के कटा कटा आवे तो उस तो थोड़ा नू लागेगा टायर की जो मोटाई है ना जो दिखी है लगते। तो भाई पीछे का आपने मतलब ये टूट सुना है कि सबलेंडर में बहुत वीक रहता है, वीक रहता भाई, इसके नीचे के लोहे की प्लेट लगती है। हाँ। वो प्लेट लगवा रखी है, काम सारे करवा रखे हैं भाई, सारे काम करवा दिए एकदम। नू देख ले ना टूटे भाई। हाँ भाई जैसे अभी जैसे मोटे आगे बैठ कर आए थे अभी बाइक पे। हाँ। तो कुछ भी नहीं होता है ना। हाँ, बाकी बिठाता को ना भाई, नू टूटा तो को ना, पर कोई दिक्कत ना है। तो भाई बाइक वाइक कैसे लिया आपने भाई? बाइक है वो ऑन रोड 92,500 की। अच्छा, पर मैंने लिया किस था, मैंने 3.5 लाख की पड़ रही है। अच्छा ना तो, बाइक मतलब 92,500 की है, और अपन बाइक जाने का था तो कैश में ली थी, तो हमने मेरे ख्याल से 88,000 की पड़ी है भाई। अच्छा कुछ 88,000। तो भाई इतना कुछ मतलब 4,500 कुछ का वो डिस्काउंट मिल गया। हाँ वो मिल गया, और ऊपर था भाई 12,000 रुपये, 12-13,000 भी ऊपर लग गए। वो जो मैं लाइट बताऊँ था उसमें भी वो जो कर लगवाई थी मैंने 600-700 की लाइट थी वो, पर मजा ना आया उसमें इतना, फिर ये चेंज वेंज कराई आधे पैसे। तो टोटल कितने लगा दिए अब तक भाई? टोटल लगे 12-13,000 रुपये। 12-13,000 रुपये, 3-4,000 और फिर बाकी ऐसे लगेगी चलती हुई रोड पर, जैसे भाई कती रानी बुगला जा रही है, बुगला अलग ही चमकेगा बुगला है। बाकी भाई देख लो कोई खचरा काम है कुछ भी बोला भाई, कमेंट करके बताना कि भाई बाइक कैसी लग रही है, और भाई जो भी मॉडिफिकेशन है भाई, जो भी अलॉयज टायर डलवा रखे भाई ने कैसे लगे। कोई लाइट वाइट पसंद आती हो तो मेरे को फोटो भेज दो, मेरी आईडी है भाई, फोटो भेज दो, वो लाइट लगवा देंगे, गैला कोई दिक्कत नहीं है। या और कुछ भी मॉडिफिकेशन समझ में आ रही है तो बता देना, आईडी मैसेज कर देना, बाकी भाई अगली नेक्स्ट मॉडिफिकेशन वही आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी भाई, कहते हैं। बाकी भाई बाइक देख लो भाई बहुत प्यारी बना रखी है, और बाकी भाई अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो भाई, बाइक की आईडी बना रखी है splendor_8447 के नाम से, और भाई अपनी आईडी बता दो जी टूट के लावत के नाम से। बाकी भाई मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई की आईडी, और भाई बहुत तगड़ी तगड़ी रील डालते रहते हैं अपनी बाइक की। तो बाकी भाई बाइक अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।